इसको मैं अपने जार को या इसको कैंडल होल्डर को मैं थोड़ा सा लुक देना चाह रही हूँ। इसके लिए मैंने इसको थोड़ी सी हाइट दूंगी, इसके नीचे व्हील लगाने। मैंने तो मैंने क्या किया है, कार्डबोर्ड को काटा, टू पीसेस इक्वल लेके और इसको आपस में ज्वाइन कर दिया। इससे इससे थोड़ी हाइट आ जाएगी, ये देखें। फिर इसमें इसको फिक्स करना है, बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ नहीं लेना है। बोतल की शेप के मुताबिक मैंने बिल्कुल उसके साइज़ से ही काटा है इसे, तो बहुत ज़्यादा बाहर ना निकल रहा हो, बिल्कुल उसके नीचे ही रहे बोतल के। तो इस तरह मैंने इसको काटा है। अब मैं इसमें जैसे ये व्हील लगाऊंगी तो ये फिर व्हील इसके इस पे ऐसे दिखेंगे, इसलिए इसको हाइट दिया मैंने। मैं डेफिनेटली बाकी चीज़ों को कलर से हाइट करूंगी। ये जो सरफेसेस दिख रही हैं ख़राब ख़राब सी, इसको कलर दे के हाइट कर देंगे। व्हील के लिए सिंपली मैंने कार्डबोर्ड पे एक राउंड सर्कल ड्रॉ किया कैप की मदद से, किसी भी बॉटल कैप की मदद से। फिर उसको मैंने काट लिया है, देखें इस तरह काट के। फिर उसके ऊपर मैं ग्लू अप्लाई करूँगी, सारी इसकी सरफेस पे मैंने ग्लू अप्लाई की। और रेड पेपर जो कि मैंने फ्लावर्स में भी यूज़ किया है, वो मैंने एक स्क्वायर सा काट के इसके ऊपर इस तरह रख दिया है। ये अब मैं क्या करूँगी, फिर से ग्लू लेके मैं इसके सारे चारों तरफ लगाऊंगी इस तरह। लगा के मैं अब इसको कटिंग दे देती हूँ। कॉर्नर्स हटाए इसके मैंने, कॉर्नर्स हटा के हल्की हल्की कटिंग दे रही हूँ अब ये, ताकि ये राउंड जब मैं इसको करूँ तो इजीली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए पेपर। ये देखिए ये इजीली होता जाएगा। अब साथ साथ आप इसकी शेप को भी सही रखते जाएं, जैसे ये एजेस निकल रहे हैं, ये कॉर्नर निकल रहे हैं, इसको आप हाथ से हल्का हल्का सा बेंड करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये अंदर की तरफ प्रेस होता जाएगा। ये हमारा व्हील एक बन गया है, इसको प्रेस कर लें दोनों हाथों से। और फिर देखें यहाँ पर एजेस निकल रही हैं, शार्प एजेस हैं, उनको हाथ से प्रेस करके उनको अंदर की तरफ कर लें, ताकि व्हील की अच्छी नीट लुक आ जाए। सिंपली इस व्हील के बैक पे मैंने थोड़ी सी ग्लू लगाई है, जो सरफेस मेरी ग्लू ये वाली ग्लू है, और जो सरफेस मेरी अटैच हो रही है ग्लास की सरफेस के साथ, मैंने उस पर सिर्फ ग्लू लगा के इसको प्रेस कर दिया। अब ये थोड़ी देर में ड्राई होके अच्छी इसकी ग्रिप बन जाएगी। जी मैंने ये गत्ते का पीस काटा था, अपने कैंडल होल्डर के साइड्स को मैंने से एक एक इंच या डेढ़ डेढ़ इंच मैंने बढ़ा करके काटा था। मैं अब इसको जब बना लूँगी तो फिर मैं इसके ऊपर रख के दिखाऊँगी कैंडल होल्डर के वो कितना बड़ा मैंने रखा था। तो ये मैंने इसके एक बेस से बना रही हूँ, ताकि वो देखने में उसका लुक अच्छा आए। तो ये मैं इस तरह करके बेस बना दूंगी, इस पर कलर कर दूंगी, और लेट्स सी इसमें और हम क्या वेरिएशन दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके फिर हम आपको फर्दर बताते हैं। अरेंजमेंट हमने बतानी है, इस वक्त अरेंजमेंट रहती है हमारी कैंडल होल्डर की। तो फिर इंशाल्लाह फिर इसको इसको बना के फिर हम उस पर वो उस पर काम करते हैं कैंडल होल्डर पर। ये देखें जो हमने बेस बनाया था उसको, उसकी अभी फिलिंग कर रहे हैं, इसके बाद इसकी कलरिंग करेंगे। ड्राई हो गया है, अब हम इस पर जब इसकी फिलिंग करेंगे तो फिर थोड़ा सा इसको ड्राई टाइम चाहिए होगा। ये देखें इसको कैसे फिल कर रहे हैं। इसके लिए बेस्ट मीडियम जो मुझे लगता है, एक तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और दूसरा ये जो वॉल के अंदर जो फिलिंग की जाती है, जो रफ़ वॉल्स होती हैं और उनको स्मूथ करने के लिए जो फिलिंग होती है, वो बेस्ट लगती है मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को
इसकी करेक्शन करने के लिए। ये देखिए अब कितना अच्छे से नीटली फिल हो गया ये। अब हम इस पर जस्ट कलर कर देंगे तो हमारा बेस रेडी हो जाएगा। ये देखिए वन साइड डेकोरेशन मैंने रेडी कर ली है एक साइड पे। अब मैं दूसरी साइड को इसी तरह ऑलमोस्ट अरेंज करूँगी UHU की मदद से, क्योंकि इसमें जो है ग्लास है, ग्लास में हमारा जर्मन ग्लू नहीं स्टिक करेगा प्रॉपरली, तो इसलिए मैं हेल्प लूँगी इधर जर्मन ग्लू की। थोड़ा सा मैं इसको टेढ़ा कर दूँ ताकि आपको इजीली दिख सके। अब मैं सेम यही ऑलमोस्ट मैं इस तरफ भी रन करूँगी जो मैंने लेफ्ट साइड पे डेकोरेशन रखी है। बहुत इजी है पूरी अरेंजमेंट ये। और दूसरा ये कि मटेरियल बहुत इसका इजी मटेरियल है, इजी अवेलेबल मटेरियल है। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो डिफ़िकल्ट हो अवेलेबिलिटी में। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा एंड इसको प्रोफेशनली भी आप इसको अगर जितना नीट कर सकते हैं इसको अगर कर लें, जैसे कि बना रहे हैं हम लोग, तो जितना अगर नीट लुक इसको दे दें तो ये प्रोफेशनली आप इसको सेल आउट भी करते हैं, कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि आर्ट की डिमांड है। बहुत सारी बहुत अच्छी शॉप्स होती हैं जो कि हैंडमेड आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं, तो आप जो है इन जगहों पे इनको सेल आउट कर सकते हैं जो जो आइटम आप बना रहे हैं। तो बनाइए और प्रोफेशनली अपना इसमें आप अच्छा स्कोप है आपको। ये देखें छोटी चीज़ें ऐसे मैस हो जाएंगी बट वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हाथ में हैंडलिंग ही बड़ी डिफ़िकल्ट है इनकी। तो लेकिन जब ये आप लगा लेंगे, जब ड्राई हो जाएगा तो इनकी फिक्सिंग को आप रीलुक कर लीजिएगा, रीविज़िट कीजिएगा, और जहाँ जहाँ आपको दिखे कि ये प्रॉब्लम कर रही है थोड़ी सी, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। सेम यही पैटर्न इस तरफ भी फॉलो कर रही हूँ, आपको ऑलमोस्ट दिख गया है। तो बस मैं अब इसको फाइनल करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है और फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो वैसे कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि कैसे इसको डेकोरेट करना है, जैसा आपका दिल चाहे आपने इसको वैसा डेकोरेट करना है। कि जिस तरह के फ्लावर आप यूज़ करना चाहें वो कर सकती हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही फ़्लावर इसी तरह के यूज़ करने। आपके घर में कोई आर्टिफिशियल फ़्लावर रखे हुए हैं उनसे भी आप इस डेकोरेशन को बना सकती हैं। तो बहुत सारी इसमें आप वेरिएशन खुद भी कर सकती हैं जी। इस कैंडल होल्डर को हम 3 स्टेप में कंटिन्यू करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप था, इंशाल्लाह सेकंड स्टेप एंड देन 3 स्टेप होके हम इसको मैं अपलोड कर दूँगी। फ़िलहाल इस स्टेप को यहाँ पर रोकते हैं, देन सेकंड स्टेप को मैं अपलोड करती हूँ।